तो पहली फिल्म अपनी जिंदगी की आपने सोचा कि इस पर बनाया जाए? हाँ, क्योंकि मैं इस कॉन्सेप्ट को अपनी जिंदगी में जीता हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ जिसकी शादी एक हिंदू से हुई है, तो मैं दोनों मजहबों को अच्छी तरह से जानता हूँ और खुद एथियस्ट हूँ। सजाद, ये कहाँ से आपने सोचा कि यार इस कहानी को उठाई जाए जो ब्रिटिश फिल्म है? एक्चुअली 4 साल पहले हमने ये फिल्म देखी थी, द इनफिडेल, जो एक ब्रिटिश फिल्म थी, और शारिक और मैं वी वर वेरी इंप्रेस्ड विद द फिल्म, विद द आइडिया ऑफ द फिल्म, सो वी बॉट द राइट्स टू रीमेक द फिल्म इन हिंदी। और फिर एज फुआद सेड, आई एम मुस्लिम मैरिड टू अ ज्यूइश, शारिक इज मुस्लिम मैरिड टू अ ब्राह्मण एंड बंगाली ब्राह्मण, एंड फुआद इज मुस्लिम मैरिड टू अगेन ब्राह्मण, सो वी ऑल कम फ्रॉम मिक्स्ड मैरिजेस एंड We've seen the nonsense that goes around in the name of religion. स्वामी जी, मेरा एक दोस्त है जो हिंदू है, उसकी लड़की एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है, तो क्या आपके धर्म में ये सब अलाउड है? यदि वो लड़का अपना धर्म त्याग करके स्वामी जी की शरण में आता है तो स्वामी जी अवश्य उसे आशीर्वाद देंगे। लेकिन अगर लड़का मुसलमान ही बना रहे और लड़की हिंदू ही बनी रहे तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ऐसे विवाह का स्वीकार हम कभी नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? एक गीता के 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 66 में कहा है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पाप मुक्त करके अपना लूंगा। और यही बात कुरान पाक में भी कही है, सूरह यूनुस में भी कहा, सभी सूरे में कहा है कि कोई भी इस्लाम कबूल कर सकता है।